दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम ना सिर्फ बिटकॉइन का एनालिसिस ही नहीं देने वाले हैं बल्कि एक आपको भी एक इंडिकेटर दिखाने वाले हैं, उसका यूज़ बताने वाले हैं ताकि उसका यूज़ करके आप शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। और मैं सिर्फ ये बिटकॉइन पे नहीं अप्लाई करूँगा, काफ़ी सारे अल्टकॉइन के ऊपर भी मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। साथ के साथ AI से रिलेटेड भी, बिटकॉइन से भी रिलेटेड दो मेगा बड़ी न्यूज़ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मार्केट किधर जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर बात करेंगे। बेबी डॉजकॉइन के भी बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे क्योंकि भाई ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो क्या हम इसका टारगेट लेके चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर वीडियो जो है देखिएगा। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर क्रिप्टो इनकम के साथ साथ हमारा नया चैनल क्रिप्टो प्रिंस को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोनों का ही नोटिफिकेशन जरूर हिट कीजिएगा। मॉर्निंग के अंदर एक काफ़ी अमेजिंग वीडियो आई है, ब्लैक रॉक बिग होल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, इस टोकन के अंदर जो मैं बताया इस वीडियो के अंदर, उसको ब्लैक रॉक ने भी अच्छी मात्रा में होल्डिंग कर रखा है, तो मेक श्योर जरूर ये वीडियो वॉच आउट कीजिएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े जुड़ जाइए, हमारे फैमिली का पार्ट बनिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो ना काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। जहाँ दोस्तों अभी देख सकते हो US का जो इलेक्शन है उसका भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भाई इस बार का बुल रन ना बहुत ही बड़ा बुल रन होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने ज़्यादा फेवर में है क्रिप्टो के, BTC के, सो दैट यहाँ पर जो है अमेजिंग हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ जी हाँ दोस्तों, तो मेक श्योर जाके जुड़िएगा, काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेगा। सीधा चलते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे भाई BTC के चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर चार्ट क्या कह रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ही रेंज के अंदर अभी ये बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, लोअर लोज बनाया यहाँ पर जो है, हालांकि लोअर लोज को ब्रेक किया, लोअर हाई आप देख सकते हो यहाँ पर, ये लोअर लो को एक ब्रेक किया। हालांकि अगर हम ऊपर से जो तीनों ट्रेंड लाइन को देखते हैं इसका भी ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये फेकआउट के अंदर चेंज हो गया और नीचे जो है डंप यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर जो है वॉर का सिचुएशन भी हो गया था, वॉर का भी न्यूज़ आया जिसकी वजह से जो है और भी मार्केट के अंदर एक पैनिकनेस देखने को मिला है। कल के रेट में देखते हैं तो कल आई थिंक काफ़ी अच्छा खासा 3-4 कैंडल बनाया, डंप तक यहाँ पर लेके गया, 58,896 डॉलर तक जो है डंप आया। जी हाँ दोस्तों, कल जो है अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट डाटा भी आया जिसकी वजह से भी ये डंप आपको देखने को मिला है। बट आज जो है काफ़ी अच्छा मार्केट जो है दिखने को मिल रहा है, 1,090 डॉलर अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस देखने को मिला। मैं बताऊँगा क्यों मैं ऐसा क्यों देख रहा हूँ। बट अगर हम यहीं पर लोग जो है ना अक्टूबर के बारे में काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया आप तो बोल रहे थे अक्टूबर से जो है काफ़ी अच्छा पंप आएगा, काफ़ी अच्छा पंप आएगा, लेकिन यहाँ पर तो यार कुछ और ही हो गया। तो मैं आपको पास्ट का एक चीज़ दिखाऊंगा भाई, ये सितंबर ख़त्म हुआ, ये हमारा अक्टूबर स्टार्ट हुआ, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको फैलाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। सितंबर का अगस्त हुआ, सितंबर के बाद आता है हमारा अक्टूबर, अक्टूबर 1 तारीख को काफ़ी अच्छा पंप आया, ठीक है। देन क्या हुआ भाई, 2 तारीख को काफ़ी अच्छा खासा डंप आया, उसके बाद पंप आया, फिर डंप आया, 13 तारीख तक डंप आया, उसके बाद यहाँ पर 15 और 16 तारीख से मार्केट ऊपर गया। अगर हम इसका डंप दिखाएं तो भाई यहाँ से जो है विग लगाया ऊपर तक, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पर डंप आया, लगभग 8% से जो है यहाँ पर डंप देखने को मिला अक्टूबर के मंथ में लास्ट ईयर, ठीक है। ये चीज़ें आप भले ही अक्टूबर अच्छा जाता है लेकिन स्टार्टिंग में जो है ये डंप देखने को मिलता है, हमेशा ही मिलता है। ये था भाई हमारा हालविंग का ईयर, ठीक है। और हालविंग के बाद एक्चुअली में हमेशा ही पहले ऐसे ही होता था, हालविंग के बाद हम देख रहे हैं अक्टूबर। चलो भाई अक्टूबर मंथ दिखाते हैं क्योंकि लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर जो ना कंसर्न बन के चलता है कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ये पहली बार हुआ। हालाँकि न्यूज़ थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है, थोड़ा सा सिचुएशन भी डालता है। हालाँकि इस टाइम में ज़्यादा तो डंप नहीं आया, लेकिन हम अगर देखें तो 30 तारीख 1 तारीख को यहाँ पर आपको देखने को मिला डंप, और एक छोटा सा यहाँ पर डंप अक्टूबर के मंथ में हम यहाँ पर देखे हैं जो कि ये 3-4 दिन के अंदर ही आया और ये था 5% का लगभग। उसके बाद मार्केट पंप किया और ज़बरदस्त पंप किया और एक नया बुल रन हमें, नया इतिहास रचते हुए हमने देखा वो आप सभी के सामने। हालांकि इससे पहले वाला अक्टूबर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा इसी तरह से हुआ, तो ऑब्वियसली ये चीज़ अगर हम देखें तो अक्टूबर मंथ बुलिश रहता है, बट स्टार्टिंग में जो है ना थोड़ा सा हमें झटका देता है, झटका देखने को मिलता है। और यहीं पे अगर हम कंपैरिजन करें 5% 7% जो आया है तो इसके मुकाबले अभी हमें कितना परसेंट डंप देखने को मिल रहा है, तो ये भाई 1 तारीख का कैंडल है, यहाँ से अगर हम डंप
को देखते हैं तो लगभग 8% से, तो ऑब्वियसली उतना ही डंप अभी तक हमें देखने को मिला है। अगर अब ज़्यादा अगर ना मिले तो यहीं पे हमें समेट के मिल सकता है, तो कोई ज़्यादा डंप हमें बड़ा नहीं देखने को मिला है। तो पास्ट में जो चीज़ें हुई है उसी को यहाँ पर कहीं ना कहीं रिपीट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छा सुधरता हुआ देखने को मिला। चलो अब मैं बता रहा हूँ, एक नॉलेज आपको देने वाला था ना, अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो ये तो हम चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दो इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ, हमेशा यूज़ करता हूँ, ये है EMA 9 और 15। ठीक है, सिंपल सा इंडिकेटर पे आना, यहाँ पर मूविंग एवरेज सिंपल सा, इस पर आपको क्लिक करना है और ये दोनों इंडिकेटर आपको लगा लेना है। ठीक है, बहुत आसान है। चलो मैं ये भी आपको बता ही देता हूँ, एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लो, इंडिकेटर पे आए तो मूविंग एवरेज सिंपल क्लिक किया, आ गया। हालांकि ये भी 9 ही आया। अब हम इसके सेटिंग पे आएंगे, देन EMA है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे क्योंकि दोनों एक ही कलर हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, एक ब्लू एक येल्लो ठीक रहेगा। ठीक है, एक मिनट मैं उसी को कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको स्टाइल पे आना है, यहाँ पर जैसे ये 9 है तो 9 की जगह यहाँ पर ये 15 डाल देना है, इसको 15 डाल देना है। ठीक है, 15 आ गया। SMA को EMA में चेंज कर देना है, दैट्स इट। और आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, बस क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना है, दैट्स इट, ख़त्म कहानी। अब आपको ये चीज़, ये एक चीज़ आप फॉलो करो, नोटिस करो एक चीज़, जब भी ब्लू लाइन, मेरी बात समझो पहले, सुनो गौर से, जब भी ब्लू लाइन येलो लाइन को ऊपर की तरफ काटता है तो मार्केट पंप करता है, जब भी ब्लू लाइन येलो लाइन को नीचे की तरफ काटता है तो मार्केट डंप करता है। आई थिंक सिंपल सा अगर लॉजिक समझो तो जब भी EMA 9 EMA 15 को नीचे की तरफ काटेगा तो मार्केट डंप करेगा, वहीं पर अगर हम दूसरी हैंड देखें तो EMA 9 EMA 15 को ऊपर की तरफ काटता है तो मार्केट पंप करता है। चलो फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये है ब्लू लाइन EMA 9, EMA 15 है येलो लाइन, EMA 9 EMA को काटा किधर, ऊपर की तरफ, मार्केट के अंदर एक तगड़ा आपको रैली देखने को मिला। फिर यहीं पे EMA 9 EMA 15 को नीचे की तरफ काटा, डंप देखने को मिला। थोड़ा सा पीछे आते हैं, सेम चीज़, EMA 15 EMA 9 को ऊपर की तरफ काटता है, पंप देखने को मिला। यहाँ पर देखो, EMA 9 EMA 15 को ऊपर की तरफ काटता है, पंप देखने को मिला। EMA 9 EMA 15 को आप देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ काटता है पंप, और यहाँ पर नीचे की तरफ काटता है डंप। तो ये चीज़ अगर सीख लोगे तो आप इतना जो है प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। ये है हमारा EMA 9 ब्लू लाइन, EMA 15 है येलो लाइन, ब्लू लाइन येलो लाइन को नीचे की तरफ काट रहा है, मार्केट डंप है। ये सिर्फ आप बिटकॉइन पे ही नहीं फॉलो कर सकते हो, किसी भी अदर देन अल्टकॉइन के ऊपर आप लेके चल के दिखा सकते हो। लाइक दैट मैं सोलाना के ऊपर बात करूँ तो सोलाना के ऊपर भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, सेम स्ट्रक्चर है, मार्केट डंप कर रहा है और ये थोड़ा सा और डंप होगा। ठीक है, EMA के पास से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा EMA 9 की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो EMA 9 के यहाँ पर गया है और यहाँ पर से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, और ये हमेशा होता है। हालांकि अगर हम देखें, अगर ये EMA 15 नीचे की तरफ आता है, EMA 9 क्रॉस ओवर करता है ऊपर की तरफ तो मार्केट फिर से पंप यहाँ पर करेगा। तो ये आप किसी भी अल्टकॉइन के ऊपर भी सेम चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, सेम चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, हर एक जगह आप जाके इसको पेपर वर्क करो, आप जाके पेपर पे एक अपना एक्सपीरियंस लो, देन आप इसको अप्लाई कर सकते हो मार्केट के अंदर। ये बिल्कुल इजी है और मैं सिंपल सा रखता हूँ अपनी चार्ट को, और इससे आपको काफ़ी अच्छा इंडिकेटर आपको मिल भी जाता है, मैक्सिमम टाइम ये होता ही है और ये बिल्कुल परफेक्टली आपके लिए वर्क करेगा और ये करता भी वर्क। ठीक है, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ, इसका पेड भी चार्ज लेता है लोग, लेकिन मैं फ्री में दे रहा हूँ, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी बताया हूँ जिससे आप ये आई थिंक फॉलो कर सकते हो मार्केट को, यहाँ से पंप होगा या डंप होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया ETF का। तो भैया ETF के अंदर ना 3 दिन से फिर से आउटफ्लो होना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ये डंप भी आपको देखने को मिला है। देन हम बात करते हैं 8 तारीख को जो है 19 मिलियन का है, 30 मिलियन का है, 9 तारीख को 10 मिलियन का, 81 मिलियन यहाँ पर जो है आउटफ्लो हुआ है 10 तारीख को। तो लगातार 3 दिनों से जो है BTC के अंदर आउटफ्लो देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भी एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है डंप देखने को मिला है। सो दैट थोड़ा सा इसके ऊपर भी नज़र रखिएगा, क्योंकि जब से ये चीज़ें आया ना तो मार्केट को मैनिपुलेट आसानी से यहाँ पर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो भैया AI डीप फेक टूल जो है अब नए लेवल पे जा चुका है जहाँ दोस्तों, यहाँ पर बाईपास किया जा रहा है क्रिप्टो एक्सचेंज KYC को, जो कि एक कंसर्न न्यूज़ है दोस्तों। इससे किसी का अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन एक बैड इम्पैक्ट क्रिप्टो को लेकर पड़ने वाला है, कि लाइक दैट हमारे नाम से आपके नाम से कोई भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाएगा और हमारे आपका ID फेक ID से यहाँ पर जो है KYC किया जा सकता है, हमारा
फेक यहाँ पर जो है अकाउंट खोला जा सकता है जिसके अंदर इनलीगल चीज़ें हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग है जिसके ऊपर वो होना चाहिए। हालांकि ये अगर हम देखें तो भैया केवाईसी के लिए जो है यूज़ किया जा रहा जो कि काफ़ी कंसर्निंग है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर हमें और आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1.5 मिलियन BTC बाय किया गया है वेव्स के थ्रू। अब ये चीज़ सोचो कि हम सब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके पैनिक में हैं और बड़े बड़े वेव्स जो है इस सिचुएशन में इस टाइम में बाय कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो, वो बुलिश है तभी तो वो बाय कर रहे हैं, उसके अंदर बुलिशनेस है अभी भी, वो सोच रहे हैं कि भाई बहुत ऊपर जा सकता है BTC, तभी तो BTC के अंदर बाय कर रहे हैं। जहाँ पर मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 2x जा सकता है, $1.5 लाख के आसपास जा सकता है, जो हम सब का एक्चुअल में प्रेडिक्शन है ना। और हम सब तो ऑल्टकॉइन के अंदर जिसमें 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना का भाई सपना लेके बैठे हुए हैं। तो यार सोचो समझो, अभी भी यहाँ पर होल्ड करो, अभी बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेना। हमने जो पोटेंशियल दिखाया, हमने जो पावर दिखाया ना, उसका रिजल्ट का समय है दोस्तों। और अब जो है हमें बहुत जल्दी रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो दैट कीप होल्डिंग। यहाँ पर अगर हम देखें तो लिक्विडेशन मैप भी सिंपल सा अभी न्यूट्रल की तरफ जा चुका है, न्यूट्रल हो चुका है भैया। मार्केट पंप और डंप दोनों तरफ जा सकता है, लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है। अगर BTC $67 पे जाता है, $67,500 पे 1.61 बिलियन का लिक्विडेशन होगा। यहीं पे दूसरे हैंड अगर BTC 54,500 के राउंड जाता है तो 1.8 बिलियन का लिक्विडेशन होगा। तो मार्केट फिर से न्यूट्रल की तरफ आ चुका है। हालांकि इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, जहां से इंडिकेटर भी जब तक येलो लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है, तो यहां पर मार्केट के अंदर डंप देखने को मिल सकता है। हालांकि ये कैंडल डे का ये हमने चार्ट खोला है तो ये 9 और 15 EMA है, तो यहां पर ये डे कैंडल आज का क्लोजिंग देखना पड़ेगा कि कहां पर क्लोज होता है। अगर ये क्लोज नीचे की तरफ होगा, अगर ये नहीं अगर टच होता आपस में, तो फिर से एक डंप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसा ऐसा यहां पर अगर ये क्लोज होता जाएगा तो आपको एक पंप देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ये क्लोज होता है ना, तो वैसे वैसे पंप और उसे वैसे डंप आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, डंप देखने को मिला, ऊपर की तरफ आ रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको मार्केट के अंदर पंप, यहाँ पर ये देख सकते हो पंप देखने को मिल रहा, तो ये क्लोज आ गया। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और भी ज़्यादा जितना टाइम आप इस चार्ट पे, इस एनालिटिक्स पे आप टाइम दोगे, उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ करो ताकि दूसरे पे आप डिपेंड ना रहो। सिंपल सा बेबी डॉज कॉइन की बात करते हैं तो भाई ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्त। जी हाँ दोस्तों, 283 यहाँ पर सीरीज आ चुका है और नॉन स्टॉप ये बढ़ता हुआ जा रहा है। 438 मिलियन का यहाँ पर मार्केट कैप हिट कर चुका है और आप देख सकते हो विग जो लगाया है वो 300 के पार लगाया है। मैंने आप सभी को ये सपना दिखाया था, मैंने आपको कहा था कि भाई टाइम दो, रुको, देखो बहुत कुछ मिलने वाला है, होने वाला है, और वो चीज़ें देखने को मिल रहा है। 476 यहाँ पर ऑल टाइम हाई है जो 2023 में लगाया था। मुझे लग रहा बहुत ही जल्दी ये आपको ब्रेक होता हुआ देखने को मिल सकता है। सिर्फ 40% ही डंप है ATH से, सो दैट एक नया इतिहास यहाँ पर बेबी डॉजकॉइन रचने वाला है, नया ATH लगाने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है, कब तक बेबी डॉजकॉइन ATH न्यू लगाएगा? जहाँ दोस्तों जरूर कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसको फॉलो कर लेना बेबी डॉजकॉइन के ट्विटर हैंडल को। और BTC का आपको क्या लग रहा है कि पंप होगा, डंप होगा, और आप जो EMA के बारे में पहले से जानते थे, जो मैंने डीपली समझाया कि क्या चीज़ें हो सकती है और कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, या पहली बार आपको पता चला है या दोस्तों, और इसको आप जरूर जाके आप बैक टेस्ट जरूर करना या दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं कि BTC कहाँ तक जा सकता है अभी या दोस्तों, और आप कितना ज़्यादा बुलिश हो बिटकॉइन को लेकर। मेक श्योर जरूर अपना ओपिनियन कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हैं या दोस्तों। बाकी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब, दोनों ही चैनल को, क्रिप्टो प्रिंस और क्रिप्टो इनकम दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर करना। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, हमारे फैमिली का पार्ट जरूर बनिए। जी हाँ दोस्तों, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के तरह ही, गुड बाय।